सुन रहे हैं मुथूट ब्लू धुन बदल के तो देखो विद विद्या बालन सिर्फ बिग एफएम पर प्रेजेंटेड बाय मुथूट फिनकॉर्प जब जिंदगी बदलनी हो। मैं विद्या बालन और आप सुन रहे हैं कहानी मुथूट ब्लू सोच वाले हीरोज की। क्या है ये ब्लू सोच? कठिन परिस्थितियों में खुद के आत्मविश्वास, लगन, समझदारी और परिश्रम के दम पर जो लोग अपने कल को सुनहरा बनाते हैं, मुथूट फिनकॉर्प उन्हें ब्लू सोच वाले कहते हैं। मैं विद्या बालन और मुथूट फिनकॉर्प आपके इस ब्लू सोच को सलाम करते हैं और अब सुनते हैं आज के हमारे ब्लू सोच हीरो की इंटरेस्टिंग कहानी उन्हीं की जुबानी। गिल्ट, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ना निभा पाने का गिल्ट। ये गिल्ट कब स्ट्रेस बन के हम पर हावी हो जाता है पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब मदद की पुकार खुद अपनी बॉडी करने लगती है। हार्मोनल चेंजेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, बात वहां तक पहुंचे ही क्यों? क्यों ना आज ही रुककर अपनी सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज कर लें। मेरे साथ सोनल कालरा हैं। सोनल इज अ जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो द ऑथर एंड ब्लॉगर ऑफ द बुक काम आर यू। हाय सोनल। Hi, this is Sonal Kalra. I am the managing editor for entertainment for Hindustan Times. Vidya, मुझे आपके शो पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे हमेशा से ही मिलना अच्छा लगता है and it's a great feeling that you're doing this wonderful show. Thank you. It's wonderful to have you on the show, Sonal. Sonal, I want to know, you know, amidst all that you do, how important is it to have me time? मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक वुमन की टू डू लिस्ट में नहीं, हर एक इंसान की टू डू लिस्ट में कुछ मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत हद तक दूसरों के लिए जीते हैं, चाहे वो वर्क स्पेस में हम अपने एम्प्लॉयर्स, अपने बॉसेस को खुश रखते हैं, अपने घर में हम अपने घर परिवार को खुश रखते हैं। तो मेरी टू डू लिस्ट में तो सबसे पहले ये आएगा कि जब आप अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ वक्त ऐसा निकाल पाएं जब आप वो करें जो आप खुद करना चाहते हैं, जिसमें आपको अंदर से एंजॉयमेंट महसूस होती है, तब आप बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फैंटास्टिक। और आपके हिसाब से सुपर वुमन कौन है? मेरे हिसाब से तो विद्या, सुपर वुमन एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि अगर वुमन लगा दिया तो उसके साथ सुपर लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आई थिंक वुमेन आर सिंपली सुपर इन द वे दे हैंडल थिंग्स। जिस तरीके से एक महिला, एक औरत सब कुछ बहुत ही बखूबी संभाल लेती है, वो अपने आप में एक सुपर पावर की तरह है। तो सुपर वुमन तो शायद एक ट्रेंडी वर्ड बन गया है, बट औरतें हमेशा से ही सुपर रही हैं। सोनल, किचन में पति का हाथ बटाना कितना जरूरी है एंड हाउ मच डज दैट हेल्प? देखो, ये मेरे लिए ही नहीं, बाकी सबके लिए भी बात है कि ऐसे में हस्बैंड के पास कुछ ऐसे नंबर्स होने चाहिए जहाँ से वो खाना ऑर्डर कर सकें। क्योंकि खाना बनाना एक ऐसी लाइफ स्किल है जिसको जेंडर एग्नोस्टिक होना चाहिए। तो चाहे वो आदमी हो, औरत हो, खाना बनाना हमारे सर्वाइवल के लिए और एक बहुत ही इंजॉयबल एक्टिविटी है और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज विमेन और जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये सिखाएँ कि उनको अपनी ज़िंदगी को चलाना, अपनी लाइफ के लिए ऐसी सॉफ्ट स्किल्स में उनको इंडिपेंडेंट करना, ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है और ये एक औरत बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से कर सकती है। पर मैं खाना बिल्कुल नहीं पकाती, सब खाना पकाएंगे तो खाएगा कौन? मेरा अगला सवाल आपसे, कई घरों में नोजी रिलेटिव्स होते हैं जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी तानेबाजी करते हैं, व्हाट्स योर टिप टू डील विद सच पीपल? विद्या, आप तो खुद बहुत इंस्पिरेशनल हो इन चीज़ों के बारे में और बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो, सो आई एम श्योर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे कि बाहर के लोगों को जितना बाहर ही रखा जाए उतना अच्छा। हमें अपने माइंड के अराउंड एक ऐसा शील्ड बनाना है जिससे हमें बहुत लोगों की ओपिनियन इम्पैक्ट नहीं करे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग हमेशा ही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है, लेकिन हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी कामनेस तब है जब हम उनकी ओपिनियन पर छोड़ दें और खुद से वो करें जिसमें करने में हमें तसल्ली मिलती है और जो हमारे दिमाग को सही लगता है। सोनल, आपने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी सारे टिप्स शेयर किए हैं जो हमें बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, आप कौन कौन सी टिप्स फॉलो करती हैं टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स? मुझे ऐसा लगता है कि मैनेज हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिज्म में अपने आप में औरतों को एक बहुत बड़ी ग्लास सीलिंग ब्रेक करने की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं, और काम कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा फ्री वक्त नहीं दे पाता। पर जैसे मैं एक माँ भी हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं, एक बेटी को मैंने अडॉप्ट किया है, अच्छा। और एज अ सिंगल मदर आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर्स। वाओ। मुझे लगता है मैं उसे काम की तरह नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा हद
तक सेटिस्फेक्शन देती हैं, यही आपका ब्रीदर बन जाती हैं, यही आपका जिंदगी को जीने का रीजन बन जाती है। तो अगर काम आपको आपका इंजॉयमेंट दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और आपका परिवार आपको इंजॉयमेंट दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो शायद किसी भी तरह की कोई परेशानी और टेंशन नहीं है, सब अपने आप मैनेज हो जाता है। वाओ, दिस इज रियली रियली इंस्पायरिंग। सोनल, आपके फाइनल वर्ड्स, जो आपको सुन रहे हैं, जो वुमेन आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कोई मैसेज देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं भी सबकी तरह एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मैसेज सिर्फ ये है कि अपने आप से अंदरूनी खुशी ढूँढें। जैसे वो कहते हैं ना कि आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको एक अनाउंसमेंट ये मिलती है कि आप किसी और के ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर औरतें अपने अंदर की खुशी को पहले ढूंढ लें, तो उसके बाद उन्हें बाहर दुनिया को खुशी देने में और अपने काम को सक्सेसफुली करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो मैसेज सिर्फ यही है कि फाइंड दैट इनर पीस, अपने अंदर की वो खुशी को ढूंढें और फिर हमेशा उसकी तरफ ही बढ़ें। Wow, and that reminds me of one of my favorite Gulzar Saab songs, "Humko Man Ki Shakti Dena," जिसमें एक लाइन है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो ये थी इनकी ब्लू सोच। आप भी अपनी ब्लू सोच को जगाइए और अपने आने वाले कल को बेहतरीन बनाइए। आपकी ये ब्लू सोच आपके सपने साकार करेगी। मैं विद्या बालन और मुथूट फिनकॉर्प आपके इस ब्लू सोच को सलाम करते हैं।